हेलो गाइस, वेलकम टू देवभूमि कजर पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी लोगों के माइंड में एक डाउट रहता है कि बादल फटना क्या है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बादल फटना क्या है और क्या इसका प्रभाव पड़ता है पहाड़ी एरियाज़ में। अच्छे से इस वीडियो को वॉच कीजिए फ्रेंड्स और जानिए क्या है बादल फटना। बादल फटना, यूँ तो इस जुमले का इस्तेमाल आम बोलचाल में किया जाता है जिसकी कोई तयशुदा वैज्ञानिक परिभाषा नहीं है, लेकिन आमतौर पर जब बहुत थोड़े वक्त में बहुत ज्यादा बारिश होती है तो उस घटना को बादल फटना कहते हैं। इस दौरान कुछ मिनटों में 2 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है और कहीं ये रफ्तार 2 घंटे या उससे ज्यादा देर तक जारी रही तो बारिश 20 सेंटीमीटर या उससे भी ज्यादा हो सकती है। बादल फटने की घटना एक छोटे इलाके में होती है, वो भी खासकर पहाड़ी इलाके और घाटियों में। इसके पीछे वजह क्या है इसका ठीक ठीक पता नहीं चला है, लेकिन जानकारों के मुताबिक जब किसी खास वजह से किसी इलाके के ऊपर काफी घने बादल जमा हो जाएं, तो इस तरह की मूसलाधार बारिश होती है। कई बार इस तरह के हालात फौरी तौर पर बनते हैं जब अलग अलग स्तरों पर बादलों की कई परतें मिल जाती हैं और एक घनी और मोटी चादर सी बन जाती है। इस तरह के बादलों के बहुत ज्यादा ऊंचाई पर होने की वजह से ओले गिरने की घटनाएं भी हो सकती है। साथ ही बादलों में अलग अलग चार्ज होने की वजह से बिजली भी जोरदार तरीके से कड़कती है। इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा तबाही लाती है क्योंकि सावधान होने का वक्त ही नहीं मिलता। साथ ही पहाड़ी इलाकों खासकर घाटियों में इससे काफी तेज बाढ़ आ जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप जान चुके होंगे कि बादल फटना क्या है। चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, इस वीडियो में देखिए बादल का गुबार एक जगह पे गिर जाना ही बादल फटना है, आई मीन मूसलाधार बारिश। ठीक है फ्रेंड्स।